नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव। आई एम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में जिसका नाम है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को कॉमनली एडवाइस किया जाता है। तो लैप्रोस्कोपी क्या है, किन पेशेंट्स को इस सर्जरी की ज़रूरत है और इस सर्जरी से क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि लैप्रोस्कोपी है क्या। जब हम यूट्रस या ओवरीज या ट्यूब्स को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे कॉमनली डन जो टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड से हमें सिर्फ एक पिक्चर मिलता है जिससे कि बॉडी के अंदर की एक्चुअल स्टडी को करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर है वो सबसे कॉमनली जो एडवाइज्ड होती है वो होती है ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स का जब हम टेस्ट करते हैं, HSG टेस्ट करते हैं, यानी कि ट्यूब्स का एक्सरे करते हैं, तो उसके अंदर हमें ट्यूबल ब्लॉकेजेस मिलते हैं विच इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी है क्या, ये एक प्रोसीजर है जिसे OT में किया जाता है। वो एक अंडर एनेस्थीजिया प्रोसीजर होती है। इसमें नाभि के रास्ते में एक स्मॉल होल बनाकर या इंसिजन देकर एक पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट या कैमरा बॉडी में इंसर्ट किया जाता है जिससे कि हम एक्चुअल यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज को आँखों से देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में हमें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज पेशेंट्स की बात की जाए तो उसमें हम ट्यूब्स कहाँ से ब्लॉक्ड हैं, कितना परसेंट ब्लॉक्ड हैं और क्या उन्हें ओपन किया जा सकता है और उनका क्या रीज़न हो सकता है ट्यूबल ब्लॉकेज का, ये फाइंड आउट करना पॉसिबल हो जाता है। मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि 80% ट्यूब जो है वो ओपन है और लास्ट में जो फिम्ब्रेल पोर्शन है ट्यूब का, 20% ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड है। तो उसे हम ट्यूबल कैनुलेशन के मेथड से ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण इनफर्टिलिटी है और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और जो लैप्रोस्कोपी के बाद नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। सेकेंड इंडिकेशन जो लैप्रोस्कोपी के लिए है वो है ओवेरियन सिस्ट। अब ओवेरियन सिस्ट एक कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग जो कई पेशेंट्स ऐसे रिपोर्ट्स लेकर आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ओवेरियन सिस्ट का जो साइज़ है वो मोर देन 4-5 सेंटीमीटर है। कभी कभी उसके अंदर ब्लड कलेक्टेड होता है जैसे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या हमें डर्मोइड सिस्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे सिस्ट का भी सर्जरी लैप्रोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज के अंदर एक्स्ट्रा एड्रीनल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन डिपॉजिट होता है जिसके कारण से कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है एंड थिक स्ट्रोमा ओवरी के अंदर डेवलप होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि LH हार्मोन जो है वो बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट ओव्यूलेट नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट्स में हम ओवेरियन ड्रिलिंग यानी कि एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर उससे स्मॉल हम पंक्चर्स क्रिएट करते हैं ओवरी में जिससे कि उनके हार्मोन्स कंट्रोल में आते हैं। तो लैप्रोस्कोपी के क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ये हैं कि हमें करेक्ट डायग्नोसिस मिलता है जैसे एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स, यानी कि एक ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो अदर देन एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की परत के अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होना चाहिए वो यूट्रस के बाहर लीक कर रहा है या डेवलप कर रहा है। तो ऐसे ब्लड के कारण इनफर्टिलिटी एंड ओवेरियन सिस्ट और जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की अगर हमें सीवियरिटी जाननी है कि ये माइल्ड ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है या सीवियर ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, उसके लिए भी लैप्रोस्कोपी बहुत यूज़फुल है क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो सीवियरिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस से वेरी करता है। अगर माइल्ड या मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है तो ऐसे पेशेंट्स नेचुरली IUI कंसीव कर पाते हैं, लेकिन अगर सीवियर ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है तो ऐसे पेशेंट्स को IVF एडवाइस करना पड़ता है। लास्ट जो यूज़ है लैप्रोस्कोपी का वो है अलॉन्ग विद हिस्ट्रोस्कोपी। अब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हिस्ट्रोस्कोपी जो है वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम को असेस करने का एक मेथड है। जनरली लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी को कंबाइन किया जाता है
ताकि अगर कोई प्रॉब्लम यूट्रस के बाहर और अंदर दोनों को इफेक्ट कर रही है तो एट द सेम टाइम हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूट्राइन सेप्टम, मतलब कि यूट्रस के भीतर में कोई पर्दा है जिसे हम नीचे से हिस्टरोस्कोपी के द्वारा कट करेंगे तो ऊपर से यूट्रस में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, वो हम लैप्रोस्कोपी से देख सकते हैं। सिमिलरली यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी, कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ यूट्रस, जैसे कि बाइकॉर्नुएट या यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, ऐसी कंडीशंस को भी हिस्टरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी से कंबाइंड वे में हम स्टडी करते हैं। जो लास्ट चीज़ है वो है ट्यूबल हाइड्रोसेल्पिंग्स। कभी कभी हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके ट्यूब्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स। इस तरह के ट्यूब्स फंक्शन नहीं कर पाते और IVF में इंटरफेयर करते हैं, तो लैप्रोस्कोपी मेथड से इन ट्यूब्स को हम रिमूव कर सकते हैं ताकि ये पेशेंट्स IVF के लिए जा सकें। तो लैप्रोस्कोपी जो है वो एक कॉमनली एडवाइज्ड इनफर्टिलिटी एनहैंसिंग सर्जरी, फर्टिलिटी एनहैंसिंग सर्जरी, मतलब कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो है हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। कैसे इम्प्रूव करती है? अगर सिस्ट है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो हम उसे ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं, हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये जो लैप्रोस्कोपी और हिस्टरोस्कोपी है इन्हें फर्टिलिटी एनहैंसिंग सर्जरी कहते हैं, यानी कि ये हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू।